आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू। तो टैबलू में अभी हम पिछले दो महीने से हम आपके साथ टैबलू में जो सीखे कि टैबलू में डेटाबेस शीट वर्कशीट में रिपोर्ट्स कैसे हम तैयार करते हैं, और हम टैबलू में अब बात कर रहे हैं डैशबोर्ड की। तो हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा है डैशबोर्ड की। हम आपको इस कोर्स में करीब अराउंड 5 to 10 डैशबोर्ड्स बनाना सिखाएंगे। उसमें उस डैशबोर्ड में आधा हम बनाएंगे और आधा आपको बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी तक जो आपने सीखा कि भाई किस तरह से रिपोर्ट्स बनाएं, किस तरह से आप अपनी विजुलाइजेशन दे, किस तरह से फिल्टर कैलकुलेशन एवरीथिंग आपने इस्तेमाल किया, उन सबों को अब यूटिलाइज करने की बात आती है। समझे? हेलो, तो जयदीप जी, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया आपको? हेलो, जयदीप जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। चलिए जयदीप जो वापस आ गए, तो यहाँ पे आपके सामने डेटा को समझिए। डेटा से पहले हमने आपको समझाया था, इसमें क्या है कि हमारा सेल्स डेटा है जिसमें सेल्स का मोड है, और यहाँ पे हमारी सेल्स की वेबसाइट है, किस वेबसाइट से सेल हुआ है, टोटल कॉल्स कितने कॉल किए गए हैं इसके लिए। तो एक हमारी साइट है, ठीक है। अब इसी टैबलू के जरिए डैशबोर्ड बनाते हैं। तो हम टैबलू पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे हम अपने लोकेशन पे चले जाते हैं जहां से हम लेंगे फाइल। के बाद हमारी जो डेटा शीट है उसको यहां रखते हैं। डेटा शीट, हमने डेटा शीट को वेरीफाई कर लिया कि यही हमारा डेटा शीट है, राइट। अब चलिए इसके कुछ पहले एनालिसिस तैयार करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहां नेम वाइज हम सेल्स निकालते हैं। नेम वाइज हम यहाँ पे क्वांटिटी निकाल रहे हैं, ओके। और हम इसको स्वैप कर देते हैं ताकि हमारा इस तरह से आ जाए, ओके। शीट वन है, इसको चेंज कर देते हैं, कैप्शन देते हैं सेल्स। और यहाँ पे नेम है, इस हेडिंग को चेंज नहीं कर सकते हम, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेट पे यहाँ पे देखिए फॉन्ट डिफॉल्ट है स्टैंडर्ड, यहाँ पे सेटिंग देना है इसकी, मैं बैकग्राउंड में सेटिंग कोई इस तरह से देना है तो ठीक है, बना डन कर दीजिए। फॉन्ट वगैरह है यहाँ पे, अलाइनमेंट ऑटोमेटिक है या फिर आपको कुछ और अलाइनमेंट चाहिए वो अलाइनमेंट यहाँ देते हैं, ओके। इसकी रो कलर वगैरह है, कॉलम की कलर और कॉलम की सेपरेशन देना चाहते हैं तो सेपरेशन कुछ इसके ऊपर, इसके ऊपर इसके ये आना चाहिए ना टोटल। तो यहाँ पे मैं सॉरी क्वांटिटी में आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे एनालिसिस में टोटल, नहीं ट्रेन लाइन भी दे सकते हैं इस पर, हम इस पर ट्रेन लाइन लेकिन सेटेबल नहीं रहेगा। या फिर एक काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं अपनी क्वांटिटी को उठाते हैं और यहाँ लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है।
क्योंकि एनालिसिस वगैरह हम सिंपल बना रहे हैं, कुछ खास इसमें नहीं कर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो ये हमारा पहली शीट हो गई। हम दूसरी शीट पे आते हैं। जी दूसरे शीट में हम यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू निकालते हैं टोटल, ओके। और इसको भी ओके हम इसको भी हम इस चार्ट में है ही, चार्ट में भी दिखा सकते हैं, या फिर हम ट्री मैप चार्ट में भी दिखा सकते हैं। कि ट्री मैप चार्ट में जो जो बड़ा हो तो ट्री मैप चार्ट में दिखाना चाहिए, छोटे में ट्री मैप चार्ट में दिखाने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, पाई चार्ट शेयरिंग दिखा सकते हैं, या बबल चार्ट जब ज्यादा हो तो बबल चार्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा के लिए होता है। इस तरह की बबल चार्ट भी आप देख, जैसे हमने पाई चार्ट बनाया था तो साइज बड़ा कर सकते हैं हम। इसकी साइज कि साइज बड़ा तो होती है, लेकिन स्टूडेंट वर्जन में पता नहीं क्यों बड़ा नहीं होता। ठीक है, एंटायर व्यू कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। स्टैंडर्ड में आपका छोटा होता है, राइट। एंटायर व्यू राइट बड़ा हो जाएगा, और इसके ऊपर आपको इसका परसेंटेज वगैरह चाहिए। तो अब क्वांटिटी को लिया और हमने इसको लेवल पर रख दिया, ओके। राइट या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि मैं इसके एनालिसिस में जाके टोटल्स में परसेंटेज ऑफ डाउन टोटल कर देता हूँ। सिर्फ साइज में चला गया, इसमें करना टेक्स्ट में कोई जी कैलकुलेशन, क्योंकि दो चीजें साइज भी है ना, जैसे साइज बनता हो गया परसेंटेज, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। ठीक है। बट यहाँ पे दिख जाता है टी मतलब टैक्स, और ये तो जो बबल और ये बबल क्या है? बबल में साइज है इसका, ठीक है। अच्छा और कलर में भी होता है प्रोडक्ट हमने के साइज हिसाब से। कोई फिर इसको ठीक है। देते हैं टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक टोटल लगाना जरूरत नहीं है, रेवेन्यू शेयरिंग कर दीजिए काफी है। हो गया। तीसरे पे आते हैं हम राइट यहाँ पे। तीसरे में हम यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले स्टेट को, स्टेट या सिटी जो भी, दोनों एक ही ले लेता है। और इसके ऊपर हम डालते हैं अपनी क्वांटिटी, ठीक ठीक है। तो जिस स्टेट में है वहां आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर्स, और यहाँ क्वांटिटी कहाँ डाला हमने क्वांटिटी? क्वांटिटी को हमने क्वांटिटी को कहीं डालना, आपने चार्ज चेक कर लिया, अपने आप ले लिया क्वांटिटी। ऐसे डालना हो तो आप यहाँ कलर में डाल सकते हैं, ठीक है। ओके यहाँ दिख रहा है क्वांटिटी कलर में, यहाँ दिख रहा है आपको कलर में गया हो। जी और इसमें हम चाहते हैं कि ठीक फिगर हमारा शो हो, तो क्वांटिटी को उठाया और हमने इसको लेबल पे डाल दिया, तो ये आपकी से हो रही है, ओके। ओके लेकिन मैं यहाँ टेक्स्ट पे आया और टेक्स्ट में मैं ये भी कैलकुलेशन में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। राइट अच्छा अब इसने कंट्रीब्यूशन दिखा दिया हर स्टेट का। हाँ, इज क्योंकि इट हमें पॉसिबल वी कैन टेक ग्रैंड टोटल? नहीं ग्रांट के मतलब कि टोटल आप यहाँ पे शो, यहाँ टोटल शो चाहते हैं, हाँ तो उसके लिए आपको 100% दिखा दे। मतलब कि यहाँ पे 100% के क्या फायदा, मतलब समझा नहीं आप क्या करना चाह रहे हो।
जैसे अभी हम हमारा ये इसने परसेंटेज दिखा रहा है, तो इसमें सम होगा 100 होगा ना, लाइक कंट्रीब्यूशन हाँ तो इसमें, दिखा दिया। हाँ यहाँ पे जी आपकी लंगिट्यूड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे आपका, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फिल्टर में आप, नहीं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को यहाँ पर नहीं, ऊपर नहीं रख सकते इसको, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो अलग होता है, ऑटोमेटिक जनरेटेड है। तो मैं एडिट करूँ, नहीं तो इसके लिए अलग से सेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ टेबल में मान लो, जैसे टेबल में, अच्छा तो एक सीट जैसे पे एक ही टेबल में मैंने, 100 दिखा देता ना सबका हाँ तो ये तो परसेंटेज 100% होगा ही है ना। आप अगर बोलते कि वैल्यू टोटल दिखा दे तो टेबल फॉर्मेट में रख के टोटल वैल्यू दिख जाती है, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। हाँ उसमें दिखेगा ये। हाँ ठीक है ना। अब एक काम मैं और करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या स्टेट को अगर मैं लेवल पे रख दूँ तो क्या हमारे स्टेट यहाँ दिखेंगे। दिख रहा है आपको सर स्टेट, दिख रहा है, दिख से रहा स्टेट भी आपको दिखेगा। और यहाँ पे, यहाँ पे हम दे सकते हैं कि क्वांटिटी शेयरिंग जी। ठीक है। है चौथा हम यहाँ पे आपके आपके इस पे हम सेल्स रखते हैं यहाँ पे, उस सेल्स मोड रख दिया हमने रो में। और हम साइट, हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट को हम कॉलम में रखते हैं और इसके अंदर हम अपनी क्वांटिटी को, आपको जी टेबल, ये हमारा टेबल फॉर्मेट में आ गया। और अगर मैं सिटी वाइज करना, मैं सिटी को इसको इसमें रख देता हूँ, बट इसमें दिक्कत ये हो गया, हमने इसके ऊपर रख दिया था ये ओवर, तो सिटी को हम रख देते हैं सेल्स मोड से पहले। ठीक है, जी टेबल कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन हमने कर दिया, तो मुझे अब टोटल यहाँ दिख रहा है कि टोटल क्या क्या हमें चाहिए, बट यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम इसको क्रॉस डाउन हो गया है ना, ठीक है, इसको मैं या फिर चाहो तो मैं इसका ट्री मैप ग्राफ भी बना सकते हैं, ट्री मैप वहाँ ग्राफ इसका नहीं दिखेगा। टेबल में रखना चाहते हैं तो टेबल में छोटा टेबल रहेगा तो बेनिफिट रहेगा, तो मैं यहाँ से सिटी को डालता हूँ सेल्स मोड और साइट वाइज सेल्स ही करता हूँ, यही बेटर रहेगा। ठीक है, सबको डैश पर बनाते थे। ये हमारा क्या था, ये हमारा वर्कशीट था, इसी के बगल में आपके सामने दिख रहा है डैशबोर्ड। अब मैं इस डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने से पहले अब थोड़ी सी इसकी एक लेआउट वगैरह एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ क्या है, और इस सब की एक बार मैं राइट क्लिक, टाइल्स हो गया, सो डैशबोर्ड टाइटल, मैं टाइटल भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ब्लैंक, सॉरी मैं सिलेक्ट नहीं किया था, पहले आपने ये लेआउट को, जो लेआउट है इसको सिलेक्ट कर दीजिए, इसकी साइज जो है अपने हिसाब से फ्लोटिंग कर सकते हैं या फिर फ्लोटिंग नहीं को टाइटल कर सकते हैं, और इसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है। डैशबोर्ड पे लेआउट।
हाँ दे यार, भी यहाँ से हाईलाइट से नहीं हो रहा है। यहाँ एडिट हाइट, हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना, एडिट हाइट दिख रहा है, अब आ गया। मैं हाइट को मान लीजिए 1000 कर देता हूँ, विड्थ नहीं आ रहा है, विड्थ नहीं बढ़ रहा है, क्यों विड्थ करना चाहिए ना। नहीं आ रहा है, वो कंटेनर था इतना। थाउजेंड बाय 800 है, डैश वन आइटम है कली हाईलाइट। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला देते हैं यहाँ से पहले, या पहले पहले तो यहाँ पे हम ये करते हैं, सो टाइटल्स, हम टाइटल्स देते हैं, टाइटल्स को चेंज करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं मेरे स्टूडेंट वर्जन सर, इसमें बहुत सारी चीजें डिसेबल कर दी गई लग रहा है, सेल्स पब्लिक पब्लिक नहीं है सर, मैंने पब्लिक स्टूडेंट वर्जन है, पब्लिक नहीं, स्टूडेंट वर्जन दोनों है मेरे पास, सेल्स रिपोर्ट 2019, और इसकी साइज को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और इसको इस साइड में कर देता हूँ, अप्लाई एनो। उसके बाद इसमें कोई इमेज अगर डालना चाहते हो आप, लोगो वगैरह, तो आप इस पर क्लिक करके इमेज पे अपना लोगो वगैरह डाल सकते हो, इस पे क्लिक करना या इमेज पे, ठीक इसकी साइज को हम इस साइड पे लोगो रखा जा सकता है, अगर आप इमेज पे क्लिक करते हैं और अपनी जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे लाए, तो इस इमेज को उठा के इस तरह से, इसको उठा के इस तरह से इसमें रखेंगे तो उसके ऊपर अंदर चला जाता है, जैसे इसमें रखे ना तो चला जाता है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। और जाने के बाद इसकी साइज को छोटा कर दीजिएगा तो छोटा हो जाता है, स्टूडेंट वर्जन में लग रहा है बैन किया हुआ है, इस कारण से दिक्कत। मैंने टैबलो पब्लिक खोला है, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम एक्सेल नहीं करते हैं, और फाइल ओपन हो गई।
इसमें है चेंज करने के लिए बताओ। तो छोटा सा मिस्टेक रहा था यहीं पे, जैसे डैशबोर्ड पे यहीं पे साइज होता है सर, ओके यहीं से साइज को अपना बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ये इमेज का साइज है या फिर नहीं नहीं डैशबोर्ड की शीट का, डैशबोर्ड की साइज। अच्छा अच्छा तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ वर्कबुक को जी, डैशबोर्ड एंड ओपन। अच्छा ये इसमें नहीं ओपन होगा क्योंकि उसका क्लिक किया हुआ मैंने। तो डैशबोर्ड को हम वापस ओपन करते हैं जो हमने बनाया, हम जी से अपनी डैशबोर्ड की रीसाइज को साइज को रीसाइज कर लिया यहीं पे। तो मेरी विड्थ है, विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, घटा नहीं बढ़ा देता हूँ, ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है 850 कर देता हूँ। उसके बाद बात आती है इसकी फॉर्मेट की, ये हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आती है कि इसकी फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इसके फॉर्मेट में जाएंगे, डैशबोर्ड फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट खुल के आएगा जिसमें आप डैशबोर्ड की बैकग्राउंड डिफॉल्ट कलर सेट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। उसके बाद डैशबोर्ड पे होने वाले फॉन्ट क्या होने चाहिए, फॉन्ट की साइज क्या होना चाहिए और वगैरह वगैरह सेटिंग वगैरह वर्कबुक टाइटल्स, टाइटल्स में क्या होना चाहिए, ये चीज आप यहीं से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ये आपकी डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग का पार्ट आ गया, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे ये आपका जब भी हम कोई रिपोर्ट को डालेंगे तो ये आपका ब्लैंक है राइट, जब भी जी अपना डालेंगे तो याद रखिएगा जब भी हम कोई रिपोर्ट डालेंगे तो टाइटल, जैसे हमने अगर सो टाइटल ही डाला तो यहाँ हमारा ऑटोमेटिक टाइटल भी आ गया और ये आपका रिपोर्ट एरिया भी आ गया, ओके। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करता हूँ और हमारा इस जो हमारा टाइटल है इसको यहाँ रखता हूँ, ओके। तो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर दूसरा जो हमारा है दूसरा जो हमारा डेटा है, ये डेटा को इसी के बगल में डालूंगा, आ गया। और उसके बाद ये है तो इसी तरह से, अब देखिए टाइटल से इस कारण से दिक्कत हो रही है ना, तो याद रखिएगा कौन से रिपोर्ट क्या आया था, मैंने वर्टिकल ले लिया यहाँ पर वर्टिकल नीचे। तो अब मैं वर्टिकल जो ये हमारा जो तीन चीजें हैं, एक तो हमारा ए है, दिख रहे हैं आपको, दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा कैसे, जैसे ले जाएंगे वैसे पता चल जाएगा आपको कि डालना कैसा है। और फर्स्ट बार में ऑटोमेटिक ले लेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, इसको रिसाइज करोगे तो पूरा रिसाइज होगा, ध्यान रखिएगा आप किसी एक पर्टिकुलर एक को नहीं कर सकते हो, ओके ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे शीट टू को इसी के अंदर डाल दिया और शीट थ्री को भी इसी के अंदर यहाँ डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ से आप जो है इसके फिट में, कि फिट स्टैंडर्ड है, एंटायर व्यू करूंगा तो एंटायर व्यू में ले लेगा, ऐसे यहाँ भी आपका फिट क्या है, फिट आपका स्टैंडर्ड है, एंटायर व्यू है आपका, और ये इसमें भी आप फिट, इसमें फिट नहीं होता है ऑटोमेटिक, ये तो ऑटोमेटिक होता है आपका मैप में ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके कलर्स होते हैं कि आप, अब इसको उठा के हम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि इसको उठा के हमने इसके ऊपर रख दिया, जिसका जो है उसके ऊपर रख सकते हो आप, समझ गए। और मान लीजिए मुझे इसको, ये पूरा जा रहा है लेकिन मुझे इसको सेपरेट करना है, अभी नहीं हटेगा क्योंकि ये
ठीक है, हट गया। इसको भी क्लिक करूंगा तो ये भी हट सकता है, तो ये सॉरी ये वाले इसको यहाँ से हटा सकते हैं आप, और फिर इसको अपने हिसाब से थोड़ा बट ये ओवरराइट, ये चाहेंगे कि आप ओवरराइट कर दें तो ये ओवरराइट रिपोर्ट में नहीं होती है कि आप चाहेंगे कि इसके ऊपर यहाँ रख दें या कहीं और रख दें, तो ये हमारा ओवरराइट नहीं होती है। ओके, समझ में आ गया? जी जी तो इसमें अब जैसे कि हमने इसको रखा था, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस, तो हम यहाँ पे जो हमारा इसको है, इसको हम ए इस इसको मैं ये जो है रिपोर्ट को स्टैंडर्ड कर देते हैं, फिट को स्टैंडर्ड हो गया। अब इसको हम इसके नीचे रख सकते हैं, तो इसको कट करके मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है ऊपर, और फिर इसको उठाया और इसको, क्योंकि ये जो है पाई चार्ट का बताता है कि कौन सा कलर किसका है वो बता रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जी, और इसमें वो रखना पैरामीटर है सेट भी तो काम करेंगे मुझे लगता है ना आगे। क्या? आपने क्या बोला समझ नहीं पाया मैं? हाँ जी वो किस पे काम करेंगे क्या बोल रहे थे आप? हेलो। किस पे काम करेंगे क्या बोल रहे थे आप? हेलो सर सुन पा रहे मुझे आप? जी, आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा अभी भी सर? है, मतलब इसमें भी हो हाँ, सकेगा तो ना वो सब। पैरामीटर आपका सारा यहां पे आ जाएगा, ये जो दी साइड में जो आया हुआ था वो सारा पैरामीटर का ही पार्ट था, ठीक है। फिर ऑल इफेक्टिव लगेगा ये। हाँ, और हाँ इसमें आप जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें फिल्टर में, मैं तो फिल्टर में रख देता हूँ जैसे कि, ठीक है, तो हमने बोला कि भाई जी फिलहाल सो ऑल होना चाहिए एंड यहाँ पे ओके। अब मैं जी इस पे राइट क्लिक करके शो फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ डैशबोर्ड भी साइड में आपको आएगा, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है, वरना जैसे सीट उठा के हमने रखा था उस तरह से यहाँ पे इसके फिल्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है तो सर। पहले आपने सीट को प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद ऊपर आपको लेके जाना है, फोटो सीट रिप्लेसमेंट ठीक रिनेम सीट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और फिल्टर आप ठीक है सर। यहाँ यूज फिल्टर पे क्लिक करो, तो फिल्टर भी यूज कर सकते हैं यहाँ से आप, ओके फिल्टर्स नेम प्रोडक्ट क्वांटिटी दिख रहा होगा नेम वाइज, तो आपका नेम वाइज फिल्टर यहाँ दिख गया, यहाँ नीचे आ गया, और इसको उठाइए और साइड में मैं डिलीट कर दिया है ना, वरना ये साइड में चला जाता यहाँ से उठ के आपका चलाया, फिल्टर होंगे सारे फिल्टर आप यहाँ पर रख दें। लेकिन ध्यान ठीक रखिएगा, फिल्टर के यूज हम तभी करेंगे जब इसको हम पब्लिक में भेज रहे हैं या फिर भेज रहे हैं एप्लीकेशन पे। पीडीएफ में ये पीडीएफ आपको ये डालने की कोई नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में तो वर्क करेगा नहीं। वीडियो में चलेगा नहीं जी। तो अब मैं इसको यहां से रिपोर्ट को या ये ले लिया, अब मैं इसको शेयर करता हूँ, ठीक है ना, ओके और यहाँ पे ओके करता हूँ। एक मिनट, मेरा लॉग इन तो कर रखा है ना, शायद वही है ना, लॉग पानी इन करता पानी पानी। हूँ। अब यहाँ पे टैबलू पैकेज वर्कबुक है, इसमें हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको पैकेज वर्कबुक हम किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पे हम शेयर कर देंगे या पिन टू पीडीएफ कर देंगे, तो हमारा पिन टू पीडीएफ हो जाएगा। ओके, लेटर चाहिए, पॉइंटस्केप चाहिए, या मैं लैंडस्केप में कर देता हूँ।
ये हमारा डेस्कटॉप पे इसका पीडीएफ बन गया। अब पीडीएफ में अब इसका कोई रोल तो है नहीं जो हमने दिया जी, क्या पीडीएफ में तो पीडीएफ के पेज की साइज के हिसाब से अपना देखिए कितना नीचे का जगह बच गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता था और फायदा होता ना सर। सही बात है। इसकी विंडो की साइज को करेंगे आप, लेकिन अभी मैंने इसको लॉगिन तो कर रखा है, मैं इसको अगर एक्सपोर्ट रिवर्ट टू सेम रिवर्ट हो जाएगा, वर्जन करता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ, किसी में एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं इसको अगर हाँ अच्छा, मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया है इसलिए ओके okay, इसमें इसमें दिक्कत है, ये बोला है कि स्टैक रिक्वायर्ड, डेटा को स्टैक मोड में रखना होगा, तो हमने डेटा को स्टैक मोड में रख दिया। अब मैं अपने डैशबोर्ड को अब देखिए डीडी यहाँ से कर देता है, अब इसको आता हूँ, अब मैं यहाँ से शेयर करता हूँ डैशबोर्ड और सेव टू पब्लिक। ठीक है सर, फिल्टर वर्क कर रहा है जी? हाँ ये जट गया, ये जा गया, ठीक है, चार्ट भी बड़ा हो रहा है। अब इस लिंक को शेयर करना चाहते हो तो वहां पे शेयर कर सकते हो, बाकी आपके पास अगर टैबलू का क्या बोलते हैं उसकी नो जो ऑफिस में इंटरप्राइज वर्जन होगा उस पर। तो अब मैं यही फाइल, ये तो आपका हो गया, आपने देख ही लिया, अब मैं आपको सेम डेटा मेल कर रहा हूँ, अब मुझे आप एक अपनी डैशबोर्ड बना के भेजिए, ठीक है? ये आपको भेज रहा हूँ, राइट राइट, जगदीप ना? जी हाँ जगदीप, ये मेरा लिखा है आपकी जगदीप, जगदीप डॉट कुमार, कुमार डॉट जगदीप होगा मेरा, कुमार डॉट जगदीप, कुमार डॉट डॉट जी हाँ जी